देख लेते हैं ये वीडियो। लवली शॉट, ओह माय गॉड। भूल रही सरसों सकल बना, भूल रही सरसों सकल बना, अम्बुआ फूटे टेसु भूले, अम्बुआ फूटे टेसु भूले, गौरी करत श्रृंगार सरसों। तरह तरह के फूल मंगाए, तरह के फूल मंगाए, ले गड़वा हाथन में आए, ले गड़वा हाथन में आए, निजाम सकल बना, भूल रही सर सो सकल बना, भूल रही सर सो सकल बना। भाई इस वेब सीरीज का ना बड़ी शिद्दत से इंतजार रहने वाला है बहुत सारे लोगों को। सबसे पहले तो भाई मैं सेट की तारीफ करना चाहूंगा, क्या सेट लगाया है एकदम। आपको ना वाकई इस तरह की वाइब्स आ रही जैसे लाहौर का ही कोई मोहल्ला हो। well, कोई हवेली हो ना पुरानी, मुझे बिल्कुल वैसी मैंने इतनी खूबसूरत हवेली लाहौर में नहीं देखी। लेकिन आप दीवारों का जो एक है ना, जो आप ईंटें जो है वो आपको इस तरह अमूमन हवेलियों में देखने को मिलती है। बट भाई मैं सबसे पहले तारीफ करना चाहूंगी पिक्चराइजेशन की, क्या खूबसूरत पिक्चराइजेशन की है। यानी कि फर्स्ट फ्रेम अगर आप उसका एरियल व्यू देखो और जैसे नीचे से जो फाउंटेन्स हैं वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं, और जो डांस कर रही हैं जितनी भी महिलाएं वो जो जैसे घूमती हैं, हाँ। और उनके जो फ्रॉक्स हैं वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं। आई मीन मैं कहूँगी कमाल की कोरियोग्राफी की गई है, छोटी छोटी चीज़ों पर बड़ा खूबसूरती से तवज्जो दी गई है, लाइक म्यूज़िक के साथ हाथों की मूवमेंट, पैरों की मूवमेंट बहुत ही शानदार। मैं कह रही हूँ मतलब आंखों के लिए ना आप कहें कि ना ये एक ट्रीट है, इतना मज़ा आ रहा था देखने का। और हमने फिर सकल बन जो है इसके बारे में देखा भी कि क्या है इसका मीनिंग, तो हम लोगों को पता चला कि ये अमीर खुसरू जी के पोइम है जो उन्होंने स्प्रिंग की आमद को लेकर, हाँ। उसके वेलकम में जो स्वागत में जो है ये, इसलिए बीच में सरसों का भी जिक्र हो रहा था और फूलों का भी। अच्छा वैसे जो है ना जब मैं सुन रहा था ना तो मुझे लग रहा था मैंने जो है ना ये पहले भी जो है ना सुनी हुई है, तो फिर बाद में हमने देखा तो ये कोक स्टूडियो में मैंने जो है वो सुनी थी कोक स्टूडियो पाकिस्तान में, उसे पहले भी नो डाउट बहुत सारे लोगों ने जो है ये गाई होगी, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो तब सुनी थी। लेकिन मैं कहता हूँ भाई जो है ना संजय लीला भंसाली जी की जो प्रोडक्शन है और उनकी जो पिक्चराइजेशन है, बोलते हैं कंपोजिशन नहीं मैं सेट की बात कर रहा हूँ, उसने जो है ना इस पोएम को चार चांद जो है वो लगा दिए। मैं वही बात करने लगा था जहाँ पे सारी लेडीज जो है वो घूम रही थी ना,
वो मैं कहता हूँ जो उसके एंगल्स है ना वो कमाल के थे भाई। मैं कहता हूँ कि देख के जाना मजा आ गया। मैं ये बात सोचती हूँ तबीयत खुश हो गई। एग्जैक्टली कि संजय लीला बंसाली जी की जो डायरेक्शन होती है ना मूवीज को डिफरेंट फ्रेम्स की, और साथ में जिस तरीके से वो एक्टर्स को और प्रॉप्स को यूटिलाइज करते हैं, ओहो कमाल है। मुझे लगता है कि इस तरह की मूवीज ना, मुझे लगता है जो उनका टेस्ट ना शायद किसी और डायरेक्टर का हमें उस तरह का टेस्ट देखने सेट्स में, कपड़ों में, हर चीज में। मुझे वैसे इतनी मेहनत जितनी उनके सेट्स में नजर आती है ना बहुत कम जो है वो आपको जो है वो देखने को मिलती है। इससे पहले अगर मैं बात करूँ ना, मुझे सिर्फ एक मूवी के लिए जो है ना मुगले आजम मूवी के लिए जो है मुझे लग रहा था मोदी का नाम लेगा, वही ना जिस मूवी में भाई एफर्ट आपको नजर आते उस मूवी के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट जो है, मतलब आज के टाइम के लिहाज से अगर हम अगर आज के टाइम में अगर बात करें ना तो पुनीन सेल्वन में जो है ना आपको नजर आया। लेकिन देखो पुनीन सेल्वन में आपको इस तरह के सेट्स नहीं नजर आते जैसे आपको यू नो इसमें संजय लीला बंसाली। मैं एक बात करूं जो मणि रत्नम जी जो है ना उनकी भी आपको जो है ना अच्छे नजर आते हैं। नहीं बाकी हर डायरेक्टर अपनी अपनी जगह पर बहुत ज्यादा काम करता है, लेकिन एक मैं टेस्ट की बात करूँ ना सेट्स को लेकर बहुत यूनिक खूबसूरत है देखकर आपको संजय लीला बंसाली है कि भाई वो जो है ना कुछ अरसे बाद मूवी देखते हैं लेकिन वो मूवी क्या खूबसूरत होती है। जैसे देवदास हो गई, जैसे वो क्या कहते हैं उसको यार घूमर घूमर और पद्मावत, रामलीला, बिल्कुल मैं रामलीला कहना चाह रहा था, मतलब सब बहुत। और अभी ये भाई पूरी एक वेब सीरीज दे रहे हैं तो भाई पता नहीं कब ये वेब सीरीज आएगी, कब हमें देखने को मिलेगी। लेकिन ये अभी तक तो बहुत कमाल का सॉन्ग लगा। और अच्छा मजे की बात ये है कि जितने भी एक्टर जितनी भी एक्ट्रेसेस थी और जितनी भी डांसर थी सबके कलर उन्होंने येलो कलर पहना हुआ, मस्टर्ड कलर स्प्रिंग के साथ जो है ना वो आप कह लो कि उसको रेजोनेट किया गया, गया। वैसे तो भाई मुझे अब इसके ट्रेलर का भी बड़ी शिद्दत से इंतजार है क्योंकि गाने में जो है ना वो क्या कहते हैं यार वो एक्ट्रेस जेन में भी नाम आया था फिर निकल गया मीनाक्षी शत्रुघ्न सिन्हा जी की जो बेटी है मीनाक्षी सोनाक्षी सोनाक्षी जी वो नजर नहीं आई पर उनका मैं रोल देखना चाहता हूँ उनका रोल क्या है। हाँ अभी खैर मूवी में मूवी कह रही वेब सीरीज में देखेंगे। बाकी आप जरूर बताइएगा आपको सॉन्ग कैसा लगा और इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।